हे गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज संदीप केशरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। तो फिर से आप सभी का स्वागत है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की स्पेशल क्लास में। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एसएससी के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस को अगर कॉन्सेप्ट प्लस अप्रोच किसी स्टूडेंट के पास हो तो 3 से 5 सेकंड के अंदर आंसर कर सकता है। कैसे होंगे इतने कम टाइम में क्वेश्चंस के ऑप्शंस को, यहाँ पे सही ऑप्शन को चुनाव करना, वो सारा चीज आप इस सेशन में सीखने वाले। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन है कि आप लोग अनअकैडमी पे भी मेरी जो फ्री क्लास चलती है उन फ्री क्लासेस को भी अवेल करें। आपको उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके नाम संदीप केसरवानी सर्च करना है और फटाफट प्रोफाइल जो आती है उसको फॉलो करके रेगुलर क्लास का हिस्सा बनना है। साथ ही साथ फ्री कोर्सेज के अलावा मेरे पेड कोर्सेज भी अनअकैडमी पे चलते हैं। इस बैच की सबसे खास बात यह है कि ये एक फुल कोर्स है, पूरा कोर्स है, 0 से 100 लेवल तक आपको लेके जाएगा, बेसिक से ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। जिसको ज्वाइन करेंगे आप रेफरल कोड संदीप टॉल लगा के, और पढ़ाएगी आपको ये टीम एसएससी हीरोज। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए सबसे बढ़िया सजेशन होगा टीम एसएससी हीरोज, जिससे आप पढ़ के अपना कंप्लीट करते हैं कोर्स और लेते हैं सिलेक्शन। इस पर्टिकुलर कोर्स से संदीप 12 से आप एसएससी हीरोज के साथ एसएससी के कोई भी एग्जाम है उन सभी के लिए आप यहां पर क्लासेस पाते हैं। बैंकिंग हीरोज से पढ़ने के लिए बैंकिंग की सारी क्लासेस के लिए भी संदीप 12 चाहिए और अदर एग्जाम्स के लिए भी संदीप 12 ही चाहिए। यानी संदीप 12 से अनअकैडमी पे हर एक सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है एक अच्छे ग्रुप से, अच्छे एजुकेटर से पढ़ने के लिए। आपके लिए ये 8 स्टेप्स हैं। हर एक सब्सक्रिप्शन, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस, नेवी, रेल, कुछ भी, हर एक सब्सक्रिप्शन केवल इन्हीं 8 स्टेप्स से कंप्लीट होगा। बस याद रखना कि जहां रेफरल कोड मांगता है ड्यूरेशन के नीचे ही मांगेगा, 12-24 जहां सेलेक्ट करेंगे उसी के नीचे रेफरल कोड मांगेगा। संदीप 12 कैपिटल लेटर में बिना स्पेस के लिखिएगा, संदीप 12, संदीप 12 देखिए, और फिर अप्लाई के बटन दबाइए, 10% डिस्काउंट होगा, फिर प्रोसीड करके अपना सब्सक्रिप्शन पूरा कर लीजिए। गाइज, जैसा कि आपको मैंने बताया कि आज की ये क्लास है नरेशन पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको हम कहते हैं, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। देखिए, नरेशन हमें जनरली करना कैसे होता है, आप क्या करते हो, रिपोर्टिंग वो पढ़ते हो, फिर रिपोर्टेड स्पीच पढ़ते हो और फिर उसके बाद आप उस पर सोचते हो क्या होगा, जोड़ घटा के काफी टाइम लगाते हो, 30-30 सेकंड्स भी आप कभी कभी लगा डालते हो, जो कि एक्चुअल में पागलपंती है। 1 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन मिनिमम करना सीखना है आपको इस सेशन में, ठीक है। सो आपके सामने है द पुलिस सेड टू अस, पुलिस ने हमसे कहा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूं कैसे करते हैं। और बेसिक इसका कहां से पढ़ेंगे आप, बेसिक पढ़ेंगे जो फाउंडेशन बैच हमारा अनअकैडमी पे है, वो पर्टिकुलर बैच आपको पूरा एक एक कॉन्सेप्ट कवर करा देगा जिसकी अभी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। सो आपका सेंटेंस है द पुलिस सेड टू अस, पुलिस ने हमसे कहा। आपको रिपोर्टिंग वर्ब का केवल टेंस देख लेना है, पास्ट है कि नहीं है, पास्ट ठीक है, फिर आगे आ जाओ। फिर दिया हुआ वेयर कैन द सस्पेक्ट बी फाउंड एट दिस टाइम, आपको पता है यहाँ पर कि जब इधर पास्ट होता है तो इधर मोडाल का पास्ट हो जाता है, यानी कैन का कुड हो जाना चाहिए, तो तुम्हारा होना चाहिए वेयर द सस्पेक्ट कुड, बस इतना याद रखो, सब जगह पे केवल यही चेक करो तुम। अब पहले वाले ऑप्शन में वेयर द सस्पेक्ट के बाद वॉज है, कैंसिल हो गया, इसमें तो भैया वेयर अबाउट आ गया, कैंसिल हो गया, वेयर द सस्पेक्ट कुड यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो ये तो छोटा बहुत है सेंटेंस, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आपका पता है मैंने क्या क्या इसमें चेक किया, मैंने केवल 2 चीजें देखी, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट है कि नहीं है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पढ़ के ये समझ लीजिए कि ये चेंज होगा टेंस की नहीं, क्योंकि कुछ केसेस चेंज नहीं होते, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, है ना, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ये चेंज नहीं होते, ये उसमें से कोई सा भी नहीं था, तो इसलिए चेंज होगा। तो इतना कन्फर्म हो गया कि कैन का कुड होना चाहिए क्योंकि इधर पास्ट है, अगर इधर सेड की जगह केवल से होता तब वो कैन का कैन रहता, अगर सेड की जगह विल से होता तब भी कैन का कैन रहता, मतलब फ्यूचर प्रेजेंट में सेम रहता, केवल पास्ट में बदला जाता है। तो हमने कैन का कुड सारे ऑप्शन में चेक कर लिया, एक ही में ऑप्शन था, तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आना, मतलब ये एक्चुअल में तरीका लगाइए। चलिए सेकंड पे आ जाइए, द टीचर सेड टू द किड्स, हमने फिर देखो यहां पे पास्ट देखा, मेरे साथ आंसर कीजिए सभी लोग, वी आर गोइंग टू स्टडी फोटोसिंथेसिस टुडे। अब ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि चेंज नहीं हो सकता, जिंदगी में कभी भी हो सकता है। आर गोइंग तुम्हारा, बस ये आर जो है तुम्हारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तुम्हारा वर्ब होना चाहिए, है ना,
ये वर हो जाना चाहिए, वॉज वर कुछ भी इसमें आएगा, मतलब प्रेजेंट नहीं रहेगा, ये सिंपल है, ये कन्फर्म है। तो ये दो तो सीधा कैंसिल हो गए। अब तुम्हारे पास केवल दो ही ऑप्शन बचे हुए, या तो सी ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। और टुडे जब कभी भी आता है तो टुडे को हम चेंज करके इनडायरेक्ट में दैट डे में कन्वर्ट करते हैं, टुडे चेंज हो जाता है दैट डे में। तो आपका सी भी कैंसिल हो गया क्योंकि टुडे टुडे वापस आ गया सेम टू सेम, तो गलत हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में कैसे करना है? बस ऐसे ही करना है यार, एक एक स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करो, बहुत आसान है। इस प्रकार से हर एक टॉपिक पे हर रोज मैं क्लास कंडक्ट करता हूं 7:30 बजे, 7:30 PM टाइमिंग फिक्स कर लीजिए, 7:30 PM हर रोज मैं आपके साथ जुड़ता हूं। तो मेरे साथ हर रोज 7:30 PM पे इस पर्टिकुलर पार्ट का एक हिस्सा बनिए, राइट एवरीवन। सेकंड क्वेश्चन हो गया, चलो थर्ड पे आ जाओ। द बॉय सेड टू द ओल्ड मैन, फिर से तुमने यहां पर देखा सेड टू दिया हुआ है ना पास्ट यहां पे। अब तुम्हें इधर फोकस नहीं करना कि कौन है बॉय है ओल्ड मैन, इससे मतलब नहीं है, इस पर नहीं ध्यान आता, एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन ही रिफ्रेम करता, पूरा गलती इधर ही करेगा भाई। अब आपका आर यू ऑल राइट सर, यहाँ पे आर लगा ना, तुम्हारा आर जो है जब ये चेंज किया जाएगा तो ये तुम्हारा असर्टिव सेंटेंस बनेगा, और इफ के साथ यू जो है अकॉर्डिंग टू ओल्ड मैन तुम्हारा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इफ ही होना चाहिए, अब देखो इफ ही वॉज है, वॉज हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट सही लग रहा है। ही के साथ वर नहीं आता, गलत हो गया। इफ ओल्ड मैन नहीं आना चाहिए, गलत हो गया। इफ ही वर नहीं होता, गलत हो गया। तो तुम्हारा आंसर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर सी कैसे हो गया भाई? इफ ही वॉज, अच्छा रुक जाओ, द बॉय क्या सर बोल रहा है, अच्छा द बॉय रिस्पेक्टफुली आस्क्ड द ओल्ड मैन, द बॉय रिस्पेक्टफुली आस्क्ड द ओल्ड मैन, फिर यहां पर इफ ही वॉज ऑल राइट, तो सही है। हमने कौन सा टिक कर दिया था भाई, डी टिक कर दिया था, नहीं कौन सा टिक कर दिया था, ऑप्शन ए टिक कर दिया था, द बॉय टोल्ड। ओहो, इधर हमें देख लेना है, अगर कभी भी दो ऑप्शन मैच कर जाते तो इधर देख लेना भाई, उसने सवाल पूछा था ना, उसने यहां पर लिखा हुआ है ना सवाल पूछा है, तो टोल्ड शब्द नहीं आना चाहिए, है ना। थोड़ी सी जल्दबाजी में देख लो, हमसे भी यहाँ पे गड़बड़ा गया 2 सेकंड में। तो आंसर आपका कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का, आई बात समझ में, क्योंकि उसने सवाल पूछा है, तो सवाल पूछने का मतलब है कि तुम्हारा ए एस के ई डी आस्क्ड में चेंज होना चाहिए, आई बात समझ में। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से करिएगा। वन मैन फ्रॉम द क्राउड सेड, एक आदमी ने क्राउड से कहा, तुम्हारा सेड है और यहां पर देखो सवाल पूछा है ना सवाल, तो फिर तुम्हें आस्क्ड वाले पे फोकस करना है, और ये जरूरी नहीं, कभी कभी टोल्ड भी हो जाता है, कभी कभी आस्क्ड शब्द असर्टिव में भी आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा तुम्हारा इंटरोगेटिव में ही आस्क्ड आएगा, ठीक है। तो ये आगे पीछे की भी चीजें देखते रहना, ये मे आई एक्सप्लेन है ना, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और सेट का हो जाएगा मे आई एक्सप्लेन दीज थिंग्स टू द अदर्स, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और आई चेंज अकॉर्डिंग टू वन मैन, यानी ये हो जाएगा ही और माइट एक्सप्लेन, MIGST एक्सप्लेन, तुम्हारा ही माइट EXPLAIN एक्सप्लेन, ये होना चाहिए। अब तुम देखो यहाँ पे माइट नहीं, यहाँ पे माइट नहीं, यहाँ पे माइट नहीं, ही माइट एक्सप्लेन, यानी ऑप्शन तुम्हारा नो डाउट ऑप्शन डी ही होना चाहिए, देख लो आंसर डी है, समझ गए ना। मतलब कुल मिला के तुमको बेसिक सीखना है, बेसिक, फिर उसके बाद अप्रोच सीखना है, और एक एक क्वेश्चन को 3 से 5 सेकंड के अंदर आंसर कर सकते हो। आप खुद देखो मुझे कितना टाइम लग रहा है, जबकि मैं समझाने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ, डबल, खुद करना है तो आधा इसका हो जाएगा, अगर 5 सेकंड लग रहा है तो खुद में 2.5 सेकंड लगेगा, और यही आपके साथ भी होगा, बस आप देखते चलो, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए, पांचवा आपको मिलेगा, 5 सेकंड रुकूंगा मैं यार, मैक्सिमम 10 सेकंड, चलो पांचवा। क्विकली एवरीवन, देखो टाइम्स ऑफ, एडविन सेड टू लैला, व्हेन शैल आई सी यू अगेन, सेट टू है तुम्हारा, ये शैल का शुड होना चाहिए, और आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू एडविन ही होगा तो वुड होना चाहिए, तो तुम्हें यहाँ पर ही वुड शी वुड जो भी आएगा यहाँ पे ये चाहिए। देखो तुम्हारे यहाँ पर शुड 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 तीनों में लगा हुआ है और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो हो सकता है उसने चेंज ही नहीं किया ही, हालांकि करेक्ट आंसर में यहाँ पर वुड होगा, लेकिन कभी कभार अगर तुमको वहां पर शुड ही ऑप्शन में आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पर मान लेना कि हाँ भैया शुड भी हो सकता है, ठीक है। अब तुमको क्या देखना है यहाँ पे कि इस जगह पे टोल्ड आया, इसमें आस्क्ड आया, और इसमें सेट टू का सेट टू ही दे रखा है, तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज बी, क्योंकि ये चौथे वाले में तो है ही नहीं ना यहाँ पे वुड शुड, तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज बी, क्योंकि सेट टू तो बदलेगा ना भाई, आस्क्ड होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर है। तो एडविन आस्क्ड लैला व्हेन ही शुड सी हर अगेन, ये स्टेटमेंट तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़े शाबाश, चलो छठे का आंसर, कम ऑन कम ऑन एवरीवन, कोशिश कीजिए, आंसर सही जा रहा है बिल्कुल आपका। यार पास्ट में स्टेटमेंट है, फोकस करो ना यहां पे, पास्ट में एक स्टेटमेंट है, आगे सब पास्ट बना डालो खत्म। जी हां, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है।
तुम्हारा ये अलेक्स टोल्ड सरा तो अपनी अपनी जगह पे। आप एक चीज देखो, ये तुम्हारा जो है असर्टिव सेंटेंस है, कोई इंटरोगेटिव नहीं है, ये असर्टिव है, तो कंजंक्शन दैट आएगा। फिर आगे का गेम जो है पूरा पास्ट बदल डालो, आए तुम्हारा हो गया आए फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू अलेक्स ही हो गया, इफ ही फेल का फेल्ड हो गया, टू ब्रिंग बैक योर डॉग का हर डॉग हो गया, कब तक बाय टुमारो का बाय द नेक्स्ट डे हो गया, फिर आई विल आई फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग अलेक्स के अकॉर्डिंग, तो ही विल का वुड हो जाएगा, पे का पे हो जाएगा, इट्स का इट्स हो जाएगा, प्राइस का प्राइस हो जाएगा, सब ठीक है, सब पास्ट बदल डालो। तो आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना आसानी से हो गया। चलो सेवंथ का जवाब दो फटाफट, सोचिए आंसर, कर सकते हैं आप, मुझे यकीन है आप कर सकते हो। कम ऑन एवरीवन। ही सेड टू हिज डॉटर, ही ने अपनी पुत्री से कहा, यू कैन सी फॉर योर सेल्फ द स्टेट द हाउस इज इन। एग्जैक्टली यार, सीधा इधर पास देखो और आगे पास बना डालो, बात करना ही क्या है यहां पे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, सिंपल है, सिंपल है। देखो यहां पर यू कैन सी है ना, ये कैन तुम्हारा कोड बदल जाएगा, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, कैंसिल हो गया। अब तुम सारे ऑप्शन देख डालो, यहां पर दिया हुआ ही टोल्ड हिज डॉटर, सेड टू हिज डॉटर का टोल्ड हिज डॉटर किया, फिर दैट लगाया, यू डॉटर के हिसाब से शी हो गया, कैन का कुड हो गया, सी का सी हो गया, फॉर का फॉर हो गया, योर सेल्फ सेकेंड डॉटर के अकॉर्डिंग हर सेल्फ हो गया, द स्टेट का द स्टेट हो गया, फिर यहाँ पर फिर अगली क्लॉज यहाँ पे जुड़ी, द हाउस इज इन, तो हो जाएगा फिर दैट द हाउस वॉज इन, इसका वॉज हो जाएगा क्योंकि उधर पास्ट है और इन का इन हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बाकी सब गलत हो गए। चलो आठवां सवाल लीजिए, फटाफट आंसर करते चलिए, 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, पूरे 15 क्वेश्चन आपको देखना है आपका स्कोर क्या होता है। कम ऑन एवरीवन। The teacher said to the disheartened student, teacher ने disheartened student से कहा, your time will come soon, तुम्हारा समय जरूर आएगा, क्या होना चाहिए? सोच के आंसर कीजिए फास्ट। अरे एग्जैक्टली यार, ऑप्शन नंबर सी, आप ऑप्शन डी टिक कर रहे पड़े हुए, नहीं देखो said to दिया हुआ है तुम्हारा, ये सेट टू यहाँ पर टोल्ड होगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, कंफर्म, ये दो कैंसिल हो गए, टोल्ड टोल्ड इसमें दिया हुआ है। देखो द हार्टेड स्टूडेंट, द हार्टेड स्टूडेंट, दैट हर टाइम है यहाँ पे हिज टाइम। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कि स्टूडेंट के लिए तो हिज ही होगा, मैस्कुलिन प्रेफरेंस होगा, हाँ ठीक है मैस्कुलिन प्रेफरेंस है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे शैल लगा दिया, पास्ट नहीं करोगे इसको, ये तो पास्ट होना चाहिए ना, आपका पास ये तो है ही नहीं, इसलिए डी कैंसिल हो गया और सी आपका सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हर अपनी जगह सही है। अब यहाँ पे स्टूडेंट शब्द के लिए भी यहाँ पे फेमिनिन जेंडर यूज किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि हम ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं फाइंड कर रहे, हम पता कर रहे हैं उसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगा, और इनडायरेक्ट के केस में हर कॉमन नाउन का जहां मैस्कुलिन जरूरत हो मैस्कुलिन लगाओ, फेमिनिन जरूरत हो फेमिनिन लगाओ, कोई एरर नहीं मानी जाती, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब। चलो नवा क्वेश्चन लो। टीना टोल्ड वेदांत दैट हिज मदर हैड बीन सिक Since the previous night, तुम्हारा इनडायरेक्ट है, तुमको डायरेक्ट बनाना है। चलो बताओ, सिंपल है यार, यहां पे दैट लिखा हुआ है, यहां पे टोल्ड लिखा हुआ है, तो बदलो ना इसको, यहां पे हैड बीन बदला गया है, ये सब बदलो ना, प्रीवियस नाइट है, ये सब बदलना जाएगा ना। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी, टोल्ड बदल गया सेट टू, क्योंकि सेट टू बदल के टोल्ड होता था, दैट हटके लग गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हिज मदर किसकी माँ, उसकी माँ, टीन ने वेदांत से कहा कि उसकी माँ यानी वेदांत की माँ, तो योर मदर हो जाएगा, वेदांत की हिसाब से हिज मदर हुआ था। फिर हैड बीन क्या था, यहाँ पे हैज बीन था, सिक रही है, सिंस कब से, प्रीवियस नाइट, तो प्रीवियस का होता है हमारा लास्ट, तो ये तुम्हारा हो जाएगा लास्ट नाइट, खत्म, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। चलो टेंथ का बताओ। द लेडी सेट टू द चिल्ड्रन, लेडी ने महिला ने बच्चों से कहा, दीज गिफ्ट हैव बीन कमिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब तुम्हारा ये सेट टू हो गया यहाँ पे टोल्ड, दीज का हो गया तुम्हारा दोस्त, हैव का हो गया हैड, बस सब कुछ जोड़ दो खत्म, क्या समझे, सब चेक कर लो आप। तो यहां पर तुम्हारा ये देखो हैव का हैव है, यहाँ पे हैड बीन कमिंग है, सही है, यहाँ पे भी हैव है, कम कैंसिल हो गया, इसमें तो कमिंग वमिंग है ही नहीं, कैंसिल हो गया, एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर बी, बाकी तो कुछ सोचना ही नहीं, इधर साइड सब में टोल्ड या साइड लगा हुआ है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? देखा ना, समझा ना यहाँ पे भाई, इसको पास्ट तो बनाओगे ना यार, क्योंकि इधर पास्ट है तो ये पास्ट होना चाहिए,
तो हैव का हैड तो चाहिए ही चाहिए, दो हैव था सीधा कैंसिल हो गया, और ये हैड बीन है, लेकिन इसमें हैड बीन नहीं है, यहाँ पे हैव बीन है तो हैड बीन होना चाहिए। तो आंसर आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। चलो 11 बताओ। ही सेड टू मी, ही ने मुझसे कहा, व्हाट आर यू डूइंग। अब सेड टू है तो एक बात तो कन्फर्म है कि ये तुम्हारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो बनेगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस जब बनेगा और उसका भी असर्टिव बनेगा डब्ल्यू एच लगाने के बाद, तो व्हाट हो गया, यू बन गया, मी के हिसाब से आई, और आर का वाज हो गया डूइंग का डूइंग, तो व्हाट आई वाज डूइंग ये तो होना चाहिए तुम्हारा। ही सेड टू मी का यहां पर ही आस्क्ड मी होना चाहिए, ये क्या नाटक आ गया इतना लंबा चौड़ा, तो ए कैंसिल, ही टोल्ड मी, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, यही आपका आंसर है। आया समझ में? ऐसे करते हैं, मतलब कुल मिला के मोटा मोटा अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है, सीखा है आपने, तो आपके लिए यहां पर स्पीड पकड़ाने की मेरी जिम्मेदारी, कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो कॉन्सेप्ट सिखाने की मेरी जिम्मेदारी। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके क्लास आज से शुरू कीजिए, आप 6 महीने से 1 साल के अंदर अपना खुद इंप्रूवमेंट देखेंगे, मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल, और अगर आप रिवीजन के लिए जुड़ना चाहते हैं तो 2 साल का ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, हर एक सब्सक्रिप्शन संदीप 12 से ही लीजिए अनअकैडमी पे। चलो 12 पे आ जाओ। द प्रिंसेस सेड, प्रिंसेस ने कहा, साफ साफ यहाँ पे सेड लिखा हुआ है, होम डू यू कंसिडर दी हैप्पीएस्ट पर्सन लिविंग। अब आप देखो यहाँ पर होम लिखा हुआ है, डू यू कंसिडर, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट ना, साफ साफ है कि ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, और पास्ट इंडेफिनिट में जब ये पलटेगा तो ये कंसिडर तुम्हारा ईडी फॉर्म में चला आ जाएगा, असर्टिव बनेगा ना यहाँ पे, तो कंसिडर होना चाहिए, और यू अकॉर्डिंग टू कोई नहीं है तो कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, तो ये आपका कंसिडर्ड देखो इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी कहाँ है, इसमें भी कहाँ है, तो आपका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। और किसी में है ही नहीं तो क्या करोगे, है ना, तो एक ही में ऑप्शन है यार, वही टिक कर लो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो 13 पे आ जाओ। शी सेड टू मी, इज द ट्रेन लाइकली टू बी लेट। बहुत सिंपल है, बताओ आप सोचो क्या होना चाहिए, सोचो क्या होना चाहिए, सोचो 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 यार, ये इस पर फोकस करो ना, इस ट्रेन, द ट्रेन, ये पलटेगा, द ट्रेन इसका वॉज हो जाएगा, राइट, तो द ट्रेन वॉज चाहिए तुमको, द ट्रेन वॉज इसमें है, द ट्रेन वॉज इसमें, इसमें नहीं है, द ट्रेन वॉज इसमें, अभी ये 3 में से कोई होना चाहिए, सवाल पूछा है तो टोल्ड नहीं हो सकता, तो ये भी कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो बी होगा या तो डी होगा। शी आस्क्ड, शी सेड टू मी है ना, शी आस्क्ड इफ द ट्रेन, शी आस्क्ड वाई कहां से आया, भाई अगर इफ इज लगा हुआ है तो डब्ल्यू एच वर्ड कहां से आया, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन डी। आया समझ में ना, एलिमिनेशन लॉजिक है, थोड़ा थोड़ा चीजों से एलिमिनेट करते जो सही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। 14 ले लो। द कमेंटेटर टोल्ड दैट द पार्टिसिपेंट्स हैड अराइव्ड एट द फील्ड, ये सेंटेंस है, टोल्ड लिखा हुआ है ये बदला जाएगा, दैट है ये बदला जाएगा, पार्टिसिपेंट्स हैड अराइव्ड है ये बदला जाएगा, बस बाकी तो अपनी जगह सही है। अब टोल्ड हो गया तुम्हारा सेट, दैट वाला चलेगा नहीं क्योंकि डायरेक्ट बनाना है, कैंसिल, तो बी ऑप्शन कैंसिल हो गया। द पार्टिसिपेंट्स हैड अराइव्ड है ना, तो ये बीन कहां से आया, ये भी कैंसिल हो गया। Have arrived हो सकता है, have arrived हो सकता है, कहां पे, at the field, यहां पे arrived है, been कहां से आ गया, तो ये भी cancel हो गया, तो ये भी cancel हो गया, तो एक ही option बचता है, that is C। समझ रहे हैं ना? Last question का बताइए। Sweetie asked, when did you come? तुम वापस कब आओगे? बताइए last question। 15 question। फिर अपना स्कोर लिखिएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर क्या आया इन 15 क्वेश्चंस को लेके। स्वीटी ने पूछा, व्हेन डिड यू कम, डिड यू, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, याद आया, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, हैड कम चाहिए बाबूजी, हैड कम इसमें है, हैड के साथ केम है, कैंसिल, हैड कम इसमें है, हैव कम इसमें है, कैंसिल, तुम्हारा या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, दो ही होगा। Sweetie wanted to know when I had come. Sweetie had asked when I come. कहाँ? Correct answer आपका option number B. ये had asked कहाँ से आ गया? जब केवल asked है तो हम reporting verb में कोई भी दूसरी helping verb या कोई दूसरा tense नहीं भिड़ाते, ये हमेशा याद रखिएगा। तो बच्चा लोग जब ये past indefinite था तो काहे reporting verb को had asked करके perfect बनाया? गलत हुआ ना?
दैट मीन्स यू हैव टू गो विद दिस ऑप्शन नंबर बी, वॉन्टेड टू नो चलेगा यहाँ पे। तो वॉन्टेड टू नो लिखो या केवल सेट आस्क्ड लिखो, स्वीटी आस्क्ड व्हेन आई हैड कम, स्वीटी वॉन्टेड टू नो व्हेन आई हैड कम, दोनों सही है। स्वीटी इंक्वायर्ड ऑफ बी यहाँ पर लगाओगे तब भी सही है। तो कुल मिला के तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी ही सही है। मेरे प्यारे साथियों, ये रही प्रैक्टिस क्लास जिसमें आपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे साथ की। यूट्यूब की ये क्लास हर रोज शाम को 7:30 बजे कंडक्ट होती है। मंडे टू फ्राइडे मेरे साथ इस क्लास का हिस्सा बनी है। इसके अलावा अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो आपके लिए ये फुल कोर्स अनअकैडमी पे आपका इंतजार कर रहा है। इंडिया के हजारों बच्चे इस बैच का हिस्सा हो चुके हैं। अगर आप नहीं हुए तो फटाफट इस बैच में आइए। इस बैच की खास बात क्या है? सबसे पहला, ये बैच बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा। उन बच्चों के लिए है जिनकी इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस में से कोई भी कमजोर है। बेसिक से शुरू किया जाएगा और आपको फुल मार्क्स लाने तक का काबिल बनाया जाएगा। दूसरा, एक सब्सक्रिप्शन से ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेगी। देखिए लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है, ऑल सब्जेक्ट्स, केवल एक सब्सक्रिप्शन से। तीसरा, सिलेक्शन की गारंटी है। किस बेस पे कह रहे हैं? क्योंकि जो टीम पढ़ाएगी वो इंडिया की नंबर वन टीम है। कौन सी टीम? टीम एसएससी हीरोज। तो गाइस, कैसे सब्सक्रिप्शन लेंगे? प्रोसेस मैं बताऊंगा। रेफरल कोड लगेगा संदीप 12, ये याद रखना, संदीप 12, ठीक। इस कोड को इस सब्सक्रिप्शन के बाद क्लासेस के अलावा डाउट क्लासेस भी मिलती है अनलिमिटेड, जितना मर्जी डाउट पूछो। हर क्लास का पीडीएफ मिलता है, वर्कशीट सॉल्यूशन के साथ हर एक टॉपिक की मिलेगी, प्रीलिम्स और मेंस की आपकी टेंशन खत्म। हमारी है ना जी टेंशन, काहे परेशान हो। फिर स्पीड टेस्ट भी कराते हैं और मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर का सेट हम डिस्कस करेंगे और आप टीम एसएससी हीरोज की पर्सनल गाइडेंस में तैयारी करोगे। तो चारों सब्जेक्ट्स मिलेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, केवल एक सब्सक्रिप्शन से, रेफरल कोड संदीप 12 लगा के। और वो भी आपकी पसंद की फैकल्टी से। एसएससी हीरोज में हर एक सब्जेक्ट के 5 फैकल्टीज है। आप यूट्यूब पे जो बेस्ट फैकल्टीज आप देखते होंगे, है ना, जैसे आपके साहिल सर हो गए, दीपक सर हो गए, गुणेश सर हो गए, अंकित सर हो गए, शर्मा सर हो गए, आपके देशवाल सर हो गए, ऐसे करके बहुत सारे टीचर्स हैं। जो भी आपको बेस्ट एजुकेटर्स दिख रहे हैं वो सारे एजुकेटर्स आपको एसएससी हीरोज के अंदर मिलेंगे। सो सभी के लिए कोड एक ही है, संदीप 12, इन सभी एजुकेटर को एक्सेस करने के लिए। बेस्ट है यार। फिर आप यहाँ पर कैसे करेंगे? मोबाइल पे प्ले स्टोर खोलो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर फटाफट आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद अपना गोल सेलेक्ट कीजिए, 3 लाइन है ना, क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। एसएससी एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, जीडी, जेई, फ्रेजेड, कोई भी एग्जाम है, सीपीयू, हर एक एग्जाम के लिए इसी को क्लिक करना है, ठीक है। फिर गेट सब्सक्रिप्शन की बटन दबाइए, इसमें से ड्यूरेशन चूज कीजिए, या तो 12 महीने का या 24 महीने का। उसी के नीचे रेफरल कोड मांग रहा है, लिखिए संदीप 12, अप्लाई की बटन दबाइए, 10% डिस्काउंट का फायदा उठाइए, एसएससी हीरोज का पूरा कोर्स लीजिए। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना मत चूज कीजिएगा, ये रिवीजन वाले बच्चों के लिए। अब कोर्स की फीस कितनी है? 12 महीने की कोड लगाने के बाद 5400 है। कोड लगाने से पहले 6000 थी, 600 बचा, इस पे 720 बच जाएगा, 7200 से 6480। तो आपके लिए ये 5400, ये 6400, भाई 1080 का अंतर है मात्र। इसलिए 24 महीना भी प्रिफर कर सकते हो, नुकसान का सौदा नहीं है। 1000 रुपया लगा के केवल एक ही महीना मिलता है, बाद में जो लोग को लेना पड़ता है ना उनको महंगा पड़ जा रहा है, पहले कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों मैं इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि इस कोविड के चलते डेट एक्सटेंड होती जा रही है, तो अगले साल वाली एक्सटेंड नहीं होगी। इसकी क्या गारंटी है? क्या गारंटी है वैक्सीन आ जाएगी? क्या गारंटी है कोविड नहीं रहेगा, अगले साल जीरो हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं और ना ही होने वाला है। कोविड के साथ रहने की, जीने की आदत हम सब लोग डाल रहे हैं और डाल भी चुके हैं धीरे धीरे करके। तो गाइज, इसलिए बेटर है कि 24 महीना ले लो, नहीं तो बाद में लोग 6 महीने का, 1 साल का दोबारा लेते हैं, 5400 रुपए फिर देते हैं। आपको 5400 नहीं, केवल 1000 देना है, यानी 6400 देना है मात्र, 2 साल का पूरा लेना है और 4500 रुपए का बेनिफिट, ठीक है। तो 24 महीने का ही लीजिए, 12 भी आपकी मर्जी, जो भी आप चाहें। संदीप 12 जब लगता है तो लिख के आ जाएगा संदीप 12, याद रखना ये 12 है, संदीप 12, संदीप 12। फिर प्रोसीड टू पेमेंट, क्रेडिट, डेबिट, जो भी कार्ड आपके पास है पेमेंट कर लीजिए, चाहे आपका हो घर में किसी का, रिलेटिव, दोस्त, यार, कोई भी हो, है ना, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दीजिए, पेटीएम कर लीजिए, गूगल पे कर लीजिए, मल्टीपल ऑप्शन आर देयर। मंथली पेमेंट चाहे तो आप, चाहे तो हर महीने देना पड़े 200 400 500, तो हर महीने आपके देने के लिए क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, चाहे आपका हो या किसी का भी हो। क्रेडिट कार्ड से 12 महीने वाला कोर्स हर महीने 450 देकर आप पढ़ सकते हो 12 महीने तक।
24 महीने वाला 270 रुपया हर महीने देके आप पढ़ सकते हो। आप चाहो 24 महीने वाला 6 महीने की ईएमआई कर लो, 24 महीने तक पेमेंट करो, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब या तो हर महीना आप देना चाहो तो हर महीना दे लो, 270 300 जो भी आता है वहां पर उस ऐप पे दिखा देगा जब आप क्रेडिट कार्ड लगाएंगे तो आपको वहां पर पेमेंट से पहले पूरा प्रोसेस दिखाएगा कितना अमाउंट कटेगा हर महीने, क्या है, कैसे कैसे, तो अपना कर लीजिए, चिंता करने की क्या जरूरत है। फिर उसके बाद ये सब प्रोसेस है, प्रोसेस फॉलो कर लीजिए। सो गाइस, इस हिसाब से फटाफट सब्सक्रिप्शन कंप्लीट करके आज ही देखो, यूट्यूब पे आप मेरे साथ पढ़ते हो, यहाँ पे मैं पूरा प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लेकिन अनअकैडमी पे आने से बेसिक से सारे टॉपिक्स आप पढ़ेंगे और वो हर एक स्टूडेंट को एक बार पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। चलो मुझे इजाजत दो, सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। ये सेशन पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप और किस टॉपिक पे सेशन चाहते हैं। हम आपकी डिमांड पे, जो मेजॉरिटी की डिमांड होगी, हम उस पर आपके लिए क्लास जरूर लेकर आएंगे। चैनल सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा रहिए। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ इस सेशन में जुड़े रहने के लिए, मुझ पर भरोसा बनाए रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।